हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हुए हैं सेक्टर 4 और ये है मेरा गाड़ी बलेनो, जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ चुका है गाड़ी में। तो अभी हम लोग आए हुए हैं क्लेम में लगाने के लिए गाड़ी को। तो ये है गाड़ी, देख सकते हैं, और कुछ स्क्रैचेस यहाँ पे आया हुआ है। तो आज जाएंगे क्लेम के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है प्रोसेस, उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट क्लेम। डॉक्यूमेंट सब जरूर करा दिए हैं और चलते हैं यहाँ से क्लेम के लिए, देखते हैं ऑफिस के पास। हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर के सर्विस उधर में, मारुति सुजुकी सेंटर। हम आपको बताएंगे यहाँ डाका कैसे डाला जाता है। क्या बोला तूने? यहाँ डाका कैसे डाला जाता है। तो हम लोग का काम हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं, पार्ट्स सब लिखवा दिए हैं गाड़ी का। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, उसके बाद 10 दिन के बाद बुलाया गया है। तो आप देखते हैं क्या होता है। क्या ये हमारे ड्राइवर साहब कहना क्या चाह रहे हैं भाई? हैवी ड्राइवर है। ये सब स्क्रैचेस था तो सब को लिखवा लिए हैं, अब ले जा रहे हैं घर। हेलो गाइस, पकौड़ी खा लीजिए। तो अभी हम लोग आए हैं पकौड़ी खाने, पकौड़ी पकौड़ी गरम गरम पकौड़ी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, और अब जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग का लगा वो गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर, और जिस नाम पे गाड़ी है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और RC। तो ये सब डॉक्यूमेंट हम लोग का लगा, अभी लगा नहीं है, बाद में जमा होगा जब सामान हम लोग का पार्ट्स आ जाएगा गाड़ी का, उसके बाद देना है गाड़ी को। तो 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के बाद फिर से उसको कॉल बैक करेंगे, जाएंगे वहाँ पे ऑफिस में, उसके बाद फिर गाड़ी जाएगा सर्विस में। तो यही है गाड़ी पूरा। गुड बाय।